थोड़ा सा बोल दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकल चौरसिया ऊर्जा सेतु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इवैक्यूएटेड ट्यूब से किस तरीके से हम खाना बना सकते हैं। आज आप देखोगे यहाँ पे एक इवैक्यूएटेड ट्यूब रखा हुआ है जो वाटर हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, सोलर वाटर हीटर के लिए। और उसके साथ में हम लोग ने एक टैंक लेकर उसको आधा कट किया है और उसको पैराबोला शेप में हम लोग ने यूज़ किया है ताकि मैक्सिमम एरिया का हीट कॉन्सेंट्रेट होकर इस ट्यूब पर लग जाए। हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हम किस तरीके से खाना बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें हमने बटाटे रखे हैं और कुछ भाजी रखी हुई है और जिसको हम लोग 200 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाके इवैक्यूएटेड ट्यूब की मदद से उसको हम लोग पकाने वाले हैं। तो अब कुछ मिनटों के बाद में ये पूरा तैयार हो जाएगा। आज हम आपको इसका वर्किंग बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। इसमें बेसिकली जो इवैक्यूएटेड ट्यूब है इसमें दो ट्यूब होता है, एक इंटरनल ट्यूब होता है, एक एक्सटर्नल ट्यूब होता है। इंटरनल ट्यूब और एक्सटर्नल ट्यूब के बीच में वैक्यूम किया जाता है जिसके वजह से हीट जो ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये पूरा रोक देता है। जो भी हीट सूरज से अंदर की तरफ आती है, तो आप यहाँ पे देखो अंदर ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी के ऊपर जो भी हीट पड़ता है वो हीट अंदर कैप्चर हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उसमें थर्मल कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन तीनों हीट को ये रुका देता है और जो भी हीट इसमें जमा हो रहा है वो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट होकर अंदर के सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देता है। पैराबोला इसमें मदद ये करता है कि मैक्सिमम एरिया का हीट को कॉन्सेंट्रेट करके लीनियरली इस पैराबोला इस ट्यूब के ऊपर डालता है, जिसके वजह से कॉन्सेंट्रेटेड हीट इस पर लगने की वजह से इसका टेम्परेचर कुछ ही मिनटों में हायर डिग्री पर आ जाता है। तो ये एक क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी है, इसका यूटिलाइजेशन हम मल्टीपल एप्लीकेशन में कर सकते हैं। थैंक यू।